हेलो फ्रेंड्स, आज शेयर करूंगी सिंपल से पोहे के कटलेट्स। ले लेंगे एक कप पोहा और अच्छे से धोकर पानी से निकाल लेंगे। भीगे पोहे में डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी और अच्छे से मिलाकर 10 मिनट के लिए पोहे को रख देंगे ताकि पोहे बाकी पानी को एब्जॉर्ब कर जितना भी फूलना है वो फूल जाए। ले लेंगे कुछ ब्रेड के स्लाइसेस और इन्हें पानी में भिगोकर तुरंत निचोड़ लेंगे, नहीं तो ये पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं। मेरे सिंपल रेसिपीज आप तक हफ्ते में 4 दिन अपलोड करते ही पहुंच जाए, इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन फॉर ऑल को प्रेस ज़रूर कर दें। अब हम पोहा, ब्रेड और एक ग्रेटेड प्याज को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ साबुत मूंगफली लिया है, आप चाहे तो मूंगफली को क्रश करके डाल सकते हैं और जितना तीखा आपको पसंद है उस हिसाब से आप मिर्च मिला लें। अब मैं थोड़ा थोड़ा कर पानी मिलाऊंगी। ये सबसे सेफ तरीका है क्योंकि पोहा डिफरेंट टाइप के होते हैं और अपने हिसाब से ये पानी एब्जॉर्ब करते हैं और फूलते जाते हैं। इस तरह से पानी ऐड करने पर बाइंडिंग का सही हिसाब आप लगा पाएंगे और लास्ट में थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर मिक्स कर देंगे। अब कटलेट का शेप दे देंगे। मेरे 1 कप पोहे से लगभग 16 कटलेट बने हैं। पहले पैन में तेल को अच्छे से गरम कर फ्लेम मीडियम कर देंगे और कटलेट को फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ मूंगफली साबुत रखे हैं, इसका एक अलग मजा है खाते वक्त, कुछ खुले और कुछ कटलेट में। मगर आप अगर ऐसा नहीं पसंद करते हैं तो मूंगफली को क्रश करके मिलाएं। इन्हें सर्व करते वक्त ऊपर से चाट मसाला या फिर काला नमक छिड़क दें। बरसात हो या कोई भी शाम की चाय हो, बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ ये कटलेट्स। तो एक दूसरे रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।